हमारा रूम पास नहीं हुआ है, अब ये सर्वे करने जा रहे हैं, चार रूम छोड़ के पांचवें रूम का ये लोग नंबर डाल रहे हैं, तो हम लोग किधर जाएंगे? ये लोग सबके ना घर बने हुए 2008 का लेके आए मैप, और उस मैप में हम लोग नहीं चल सकते। 2008 में कैसा था सबके रूम, तो क्या कोई रूम नहीं बनाता अपना? नहीं सर, इसे सबका सर्वे करो, हमारा ही नहीं सबका करो, और सब इधर झूठ बोल, सब इधर बोल बोल के जा रहे ना। आप लोग हट जाओ, हम लोग आधार कार्ड पे रूम पास करेंगे, आप हट जाओ ये बीच में से, हम लोग आपके फोन नंबर, हमारा क्यों सब पे डालो ना नंबर। हम लोग यहाँ के 96 से रहने वाले लोग है, हमारा रूम पास नहीं हुआ है, अब ये सर्वे करने जा रहे हैं, चार रूम छोड़ के पांचवें रूम का ये लोग नंबर डाल रहे, तो हम लोग किधर जाएंगे? हम लोग क्या, हम लोगों की गलती हो गई क्या? हम लोग अपने रूम में रहेंगे ना, फिर हम सर्वे करने ही नहीं देंगे? सर अभी ये लोग सबके ना घर बने हुए 2008 का लेके आए मैप, और उस मैप में हम लोग नहीं चल सकते। 2008 में कैसा था सबके रूम, तो क्या कोई रूम नहीं बनाता अपना? तो अभी का मैप हम लोग चाहते हैं कि अभी सबके सर्वे करो। नहीं सर, इसे सबका सर्वे करो, हमारा ही नहीं सबका करो, और सब इधर झूठ बोल, सब इधर बोल बोल के जा रहे ना। आप लोग हट जाओ, हम लोग आधार कार्ड पे रूम पास करेंगे, आप हट जाओ ये बीच में से, हम लोग आपके फोन नंबर, हमारा क्यों सब पे डालो ना नंबर। बोले हम लोग को हटा रहे कि तुम लोग हटो, हम लोग तुम्हारे इसमें नंबर डाल देंगे और बाकी तुम हट जाओ, मतलब हम हमारी आवाज दबा ले और बाकी सब ऐसे ही मर जावे। डालना है तो सब पे डालो, या तो बंद कर दो, नहीं सीधा सीधा बंद कर दो, हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग झोपड़पट्टी में खुश है सर। लाके जलवाने का पैसा लोगों को मालूम है, कैसा जलाने पैसा नहीं नंबर टक लो। MFA Films International present Himratna Award 2024 coming soon, the biggest award show. Registration open now. Inviting nomination form: social worker, NGO, individual, education, hospitality management, health care, sports, fashion and lifestyle, film industry, news and media. Apply for award today, call now.
घर किसके नाम पे वो बोलो, रहमत भी, लाइट भी, हाँ रहमत भी, अंकल रहमत भी, बोलो नाम बोलो, रहमत भी, रहमत भी, मोहम्मद गौस शेख, मोहम्मद गौस, मोहम्मद, मोहम्मद गौस, हाँ गौस, गौस काय माहित नाही. आज जो सर्वे हो रहा है वो केजीएन की तरफ से हो रहा है ऐसा समझ में आया, और ये जो सर्वे हो रहा है ये गलत फहमी करके हो रहा है. हम लोग 5 दिन के पहले से सारे ऑफिस में जाकर विनती किया उन लोगों से, कलेक्टर साहब से, साहब ये केजीएन की तरफ से सर्वे आपने लगाया और परिशिष्ट के अंदर उन लोग बोले कि हम लोग गवर्नमेंट का सर्वे लगाया, मगर आज ये दिखने में आया नहीं कि ऐसा कि गवर्नमेंट का सर्वे है, क्योंकि सोसाइटी के जो लोग आपको गुमराह करके आज लोगों के घर के ऊपर नंबर नहीं गिर रहे, लोग ताला मार के भाग रहे ले, और कहने का मतलब ऐसा है कि जिसका अगर पात्र भी घर है वो भी अपात्र होने का चांस है इसके अंदर. इसके लिए मैं ये सर्वे को विरोध करता हूँ, ऐसा मैं अपेक्षित रखता हूँ. हमने जो मांग की थी कि हम लोग एसआरए में 5 दिन से जा रहे, और जाने के बाद में हम लोग प्रवीण हजारे साहब से मिले, और हम लोग सीओ साहब से भी मिले, हम लोग बालाराम तिड़के से भी मिले, जयराम पवार से भी मिले, ऐसे ऐसे नहीं कि हम लोग किसे मिले नहीं, मगर कहने का मतलब क्या है, उन्होंने जो डिक्लेयर किया कि ये सर्वे गवर्नमेंट का है, मगर नजरिया ऐसा है कि इधर आने के बाद में सर्वे अलग तरीके से दिख रहा है, के लिए इसको और भी डबल मैं विरोध करता हूँ. देखो केजीएन सोसाइटी के अंदर हम लोग भी सदस्य थे, मगर केजीएन के अंदर जो पार्ट दो बन गया, और पार्ट दो बनने के बाद में नवजीवन सोसाइटी भी तैयार हो गई, तो आज अगर दो सोसाइटी अगर एक ही बस्ती के अंदर चलेगी तो लोगों का विकास कैसा होगा. हम लोग सोसाइटी से विरोध इस बात से करते है क्योंकि दोनों भी सोसाइटी एक ही बस्ती के अंदर है, और वो एक बस्ती के अंदर होने से दोनों सोसाइटी अगर एकजुट से काम करेगी तो ही लोगों का विकास हो सकता है. देखो केजीएन सोसाइटी ने जब हमने नवजीवन सोसाइटी से जीबीआर लगाया, जीबीआर लगने के बाद में केजीएन सोसाइटी ने ऑब्जेक्शन लिया क्योंकि एक केजीएन सोसाइटी से सर्वे जीबीआर लगना नहीं चाहिए. इसके लिए पुलिस स्टेशन में जाकर उन्होंने कंप्लेंट किया, और फिर उधर से ऐसा संदेश आया कि भाई तुम केजीएन से नाम से सर्वे मत करो, और सर्वे नहीं करने से फिर नवजीवन सोसाइटी पहले से थी उसी नाम से जीबीआर लग गया. ऐसा है मालूम है क्या, इधर रियाज कंपाउंड के अंदर इम्तियाज भाई बिल्डर है ऐसा एक नाम है, और इधर एक सामने बिल्डिंग बनी है उनका नाम है सिद्दीकी साहब. तो ऐसा दो बिल्डर में जब अगर वाद विवाद चलेगा तो फिर यहाँ पे जो बस्ती है ये बस्ती के अंदर लोगों का विकास कैसा होगा, ये बिल्डिंग सिद्दीकी साहब डेवलप करेगा. अपात्र होने का कारण ऐसा है कि लोगों ने जब इन्होंने सर्वे लगाया, सर्वे लगाने के बाद में 2-4 दिन से लोगों ने 300 झोपड़े का 500 झोपड़े बनेंगे तो अपात्र बनेगी, जरूर बनेगी, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा. तो हम लोग कर रहे हैं तो इसके लिए तो हमने सर्वे रोकने का काम किया, मगर इधर कैसा पुलिस प्रोटेक्शन है, पहले ये पहली टाइम सर्वे हो रहा है, पहली टाइम बस्ती तो बहुत पुरानी है. नैने ने बोला तो मेरा जन्म ही वो 40 साल के ऊपर हो गया, 40 साल के ऊपर हो गया. हा गवर्नमेंट चा सर्वे है, परंतु आमची विनंती अशी आहे की सोसायटीचा एकही माणूस न घेता हा सर्वे झाला असता तर संपूर्ण घराघराचा सर्वे झाला असता. हमारी जो मांग है क्या जल्दी से जल्दी विकास होना चाहिए, अगर ऐसा मैटर चलते रहेगा तो विकास कैसा होगा, ये हम लोग की सोच में आ रहे है. इसके लिए हम झोपड़पट्टी वासी से विनती करता हूँ जो अच्छा लोग काम करेगा उनका सहयोग करे. देखो यहाँ पे 16-17 साल से लकड़ा वाले ने सबमिशन मारा था, जब 16-17 साल से लकड़ा वाले ने सबमिशन मारा था तो काम नहीं बन रहा था, जब काम बनेगा नहीं तो लोगों को थोड़ा दुख पहुंचेगा. इसके लिए हम लोग ने यहाँ पे एक सिद्दीकी साहब ने यहाँ पे बिल्डिंग बनाया, तो विश्वास रखा जब इधर बिल्डिंग बनी है तो ये विकासक अपना अच्छा काम करके देगा. इसके लिए हम लोगों ने उनको चॉइस किया, अगर चॉइस करने के बाद में दूसरा ही केजीएन का अगर बंदा अगर खड़ा रह के ये ऐसा गलत तरीके से काम करेगा तो विकास कैसा होगा.
ऐसा सर, हम लोग पाँच छह दिन से हम लोग कलेक्टर ऑफिस जा रहे हैं कि रास्ते की कुछ लोग शादी में गए हुए हैं, अभी 12वीं का सबका एग्जाम चालू है। हम कलेक्टर सर्वे की विरोध नहीं, कलेक्टर सर्वे होना चाहिए था कि हमारा विकास हो, लेकिन अभी उसको क्या जाने कौन सा मट्टू दे दिया गया, एक को दो तीन करना। अरे ये सब क्या डूब पाओगे क्या, डूबा के खा लेना, ये इधर ऐसा चल रहा था। इसलिए हम लोग बढ़ रहे थे कि कुछ आगे बढ़ा दिया जाए ताकि जो घर के अंदर नहीं है वो आ जाए, जिसका पात्र है उसके चक्कर में डबल के चक्कर में वो भी ना पात्र में जाएगा। ये सारे है वो स्कीम ऐसी की चप्पल घसा देगी। मेरे भाइयों से ये विनती है कि होश में आओ, मेंढे जैसा मत रहो, आप लोग की पढ़ाई लिखाई की कमजोरी जैसे का ये फायदा उठा रहे। और यही मेरा चंद सवाल है कि हमारे को कलेक्टर सर्वे से कोई आपत्ति नहीं है, वो तो आना चाहिए ताकि हमारा विकास।